कि आका हुसैन की कब्र मुबारक की ज़्यारत की जाए, मौला हुसैन की कब्र मुबारक की ज़्यारत की जाए। अल्लाह ने आज वो तौफीक दे दी कि ईरान के काम करने वाले कारीगर सरजमीन करबला पर पहुँचे, इमाम हुसैन की कब्र मुबारक की आप ज़्यारत करें। ये सामने कब्र असली है आका हुसैन की, ये जहरा के लाल की कब्र है सामने जो नज़र आ रही है। ये शहजादी कौनैन ने जिसे चक्कियाँ पीस के पाला था, ये उसके लाल की सामने कब्र है। अपने आँखों को नूर दें इस कब्र से, अपने आँखों को जिया बख्शें इस कब्र हुसैन से, जिसकी घड़ियों की तमन्ना थी हमें कि हुसैन की कब्र असली की ज़्यारत हो जाए। ले असल कब्र इमाम हुसैन आपकी निगाहों के सामने है। ये जिस वक्त हरम मुकद्दस में काम चल रहा था और उस वक्त सामने जिस वक्त ज़री हटाई गई थी और नस्ब की जा रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को वहाँ पर गुशादा किया गया, ऊपर ज़री अक़दस के अंदर जहाँ पर कब्र थी वहाँ पर भी, और ख़ुद सरदाब के अंदर भी कब्र जहाँ पर थी, कि ये सामने आप देख सकते हैं ये रास्ता सरदाब में, नीचे सरदाब के अंदर तहखाने में जहाँ कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, कि यहाँ की खाक भी सुर्ख नज़र आ रही है। खाके करबला भी आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी भी सुर्ख नज़र आ रही है, रंग इसका माइल बेखून है। ये सामने जो रास्ता आपने देखा था, जो रखना देखा था, यही वो रास्ता है जो नीचे जाने का है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को तामीर किया जा रहा है। ये इस वक्त हम लोग सरदाब में नीचे आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जो सामने दीवार नज़र आ रही है जहाँ पर एक शख्स वहाँ पर काम कर रहा है, वो आका हुसैन की कब्र असली है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के टुकड़ों को समेट कर उस जगह पे जो दफन किया था बनी असद के साथ, वो सामने आप मंजर देख सकते हैं। इस मुहर्रम में हम हरम हुसैन में पहुंच ना सके, लेकिन ले देखें आप, आका हुसैन ने अपनी असल कब्र की ज़्यारत आप सबको करा दी। जितना हो सके एक दूसरे के पास ये भेजिए ताकि आका हुसैन की ज़्यारत से लोग